सब आपकी याद और हालांकि इसमें बसरा साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हम अप्रिशिएट करेंगे बाकायदा, क्योंकि उन्होंने 25 को बुलाया था और तमाम की तमाम इदारों ने हाथ उठा दिया। 25% आईपीपी ने ऑफर की थी ब्राइब, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं दी थी और सागदार साहब ने आते ही कर दी थी पेमेंट। आते रिपोर्ट आई, इसके ऊपर आप भी नोटिस लेंगे, इससे पहले तो नहीं ले। आप शाह साहब बाहर जो है कि या बेट का मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट का इशू आया था, अब उसके ऊपर सुबह वो बंदा जो शेख इजाज असगर साहब आपका पिंडी का है उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ है काफी महीनों से, रिट हुई, अब सुबह वो बेल कराने के लिए थाना लियाकताबाद में मुकदमा हो गया, ग्रीन टोन में उसको अब से बेजा में रखा हुआ है। और उसके अंदर मामला क्या है, मामला यह है कि या बेट जो कंपनी है चाइना की, 17 कंपनी जो मुख्तलिफ है जिनकी मैं आपको बता देता हूं, हांगकांग, दुबई, मलेशिया, अमेरिका और नॉर्वे से 17.8 मिलियन डॉलर जो है ये पेमेंट आई 17 सितंबर 15 से लेकर मार्च 16 तक। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, थाना पंजाब जो उसका लाहौर का वहां पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, ये इसमें कुछ दाल में काला है, क्या वजह है, एफआईआर और नैब की बजाय पुलिस इसको क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? जी शाह साहब, देखिए।